देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान से सीमा गुलाम हैदर पबजी के द्वारा दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार में रघुपुरा आ गई। इस समय हम रघुपुरा में मौजूद है और मेरे पीछे आप ये गली देख सकते हैं, यही पे सचिन का घर है जिसमें सीमा गुलाम हैदर सचिन के साथ रह रही है। सीमा का कहना है कि वो प्यार के लिए ही यहाँ पर आई थी और उसके बाद वो इसी घर में रह रही है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये यहाँ पर मीडिया की भीड़ है और लगातार यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। हालाँकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह पता लग पाएगा कि सीमा गुलाम हैदर प्यार के लिए भारत आई है या इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियां और लोकल पुलिस ने कम धाराओं में मामला दर्ज किया और उसके बाद तत्काल जमानत मिल गई, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में चर्चा का विषय है। हालांकि इन्हीं सभी सवालों को लेके हम सीमा गुलाम हैदर से बात करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहती है सीमा गुलाम हैदर। लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि आपके भारत में जो अगर एन के साथ ही आपके एंट्री की है उसको लेके अब आपकी नागरिकता को लेकर क्या बात है? यहाँ होती हूँ, रात को सोने का समय मिलता है, अभी नहीं मांगे जब बिल्कुल साफ आ गए। मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ की जेल में भी जाने को तैयार हूँ। मैं कोई भागने वाली नहीं हूँ, कुछ साफ नहीं हो जाता। मैं सच में गलत तरीके का आधार कार्ड कोई भी नहीं करता है। मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी थी और मेरे पति थे उनके आधार कार्ड की आधार कार्ड थे। मेरे वैक्सीन कोरोना का वैक्सीन कार्ड बनवाया जाता है, मेरे पास दो था और मेरा आई डी कार्ड था। हमारे यहाँ ऐसा होता था 3-4 साल कम एज बनवाई जाती है और ऐसा 1-5 साल कम एज बनवाई आई डी कार्ड। इसके अलावा कोई कुछ अनलीगल कुछ गलत नहीं करता। सीमा गुलाम हैदर हैं जो पाकिस्तान से पबजी के द्वारा प्यार हुआ और उसके बाद यहाँ पे भारत में रघुपुरा में आ गई। हालांकि इनके ऊपर कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये अवैध तरीके से भारत में आई है उसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियां और यहाँ की स्थानीय पुलिस इनकी जांच कर रही है और जांच के बाद यह साबित हो पाएगा कि ये प्यार ही है या हो सकता है कि कोई और साजिश हो जिसके द्वारा ये यहाँ पे आई है। नरेंद्र भाटी, ग्रेटर नोएडा, ईटीवी भारत।